हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मजमूर में। आज की वीडियो का टॉपिक है बेडशीट्स के अराउंड। समर सीजन आ गया है और समर में हमें स्पेसिफिकली बेडशीट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर बेडशीट्स अनकंफर्टेबल हो, सिंथेटिक की ज़्यादा फील हो, तो गर्मी ज़्यादा लग सकती है, पसीना ज़्यादा आता है। तो अदरवाइज भी मैं तो हमेशा कॉटन प्रेफर करती हूँ, बट समटाइम्स मिक्स मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट समर सीजन में नहीं। समर सीजन में हमें अच्छी कॉटन की बेडशीट्स लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अच्छी ब्रांडेड बेडशीट्स। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जो TC आपको एक नंबर दिखता होगा जब भी आप लेते हैं बेडशीट, थ्रेड काउंट उसे कहा जाता है, तो अलग अलग नंबर होते हैं, कभी 144 आपको दिखेगा, कहीं 186 दिखेगा, 200। तो ये चीज़ होती क्या है और आप इस नंबर को बेडशीट की क्वालिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेडशीट के साइजेस की। तो नॉर्मली जो हम टर्म यूज करते हैं वो होती है कि सिंगल साइज बेडशीट या फिर डबल बेड की बेडशीट। तो सिंगल वाली ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है, थोड़ी बड़ी ही आती है तो सिंगल बेड पे वो आ जाएगी। बट डबल अगर आप कहते हैं तो डबल में भी जो बड़ा बेड होता है वो थोड़े अलग अलग साइजेस का आता है। क्वीन साइज एक होता है, किंग साइज एक होता है। तो क्वीन साइज की बेडशीट के कुछ डायमेंशंस होते हैं, या फिर बेड के भी अगर हम कहें तो डायमेंशंस होते हैं। तो क्वीन और किंग में से किंग साइज बेड ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप थोड़े स्केप्टिकल है कि अगर क्वीन साइज बेड वाली हम बेडशीट लेते हैं, जो भी अगर आपकी हमेशा वाली ब्रांड है वो श्रिंक हो जाती है और छोटी पड़ती है, तो आप किंग साइज की बेडशीट लेकर अपनी क्वीन साइज की बेड पर लगा सकते हैं। अब आपने ये भी सुना होगा कि डबल, क्वीन एंड किंग। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैट्रेसेस हैं, अगर आपकी मैट्रेस क्वीन साइज है या किंग साइज है, तो जहाँ पर आपको बेडशीट पे ये लिखा हुआ दिखेगा कि ये क्वीन साइज के लिए है या फिर ये किंग साइज के लिए है, तब आप वो ले। सिर्फ डबल ये टर्म देखकर ना ले, क्योंकि अगर डबल हम कहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, रादर डबल साइज की बेडशीट क्वीन साइज से भी कम हो सकती है। और ये सारा कन्फ्यूजन अगर आपको अवॉइड करना है तो क्वीन साइज या किंग साइज के साथ साथ बेडशीट के जो डायमेंशंस होते हैं वो देख लीजिए, वो आई थिंक सबसे अच्छा रेफरेंस है। और अगर आपके पास जो मैट्रेस है वो थिक है, 6 इंच है, 8 इंच है, तो इस बात का भी ध्यान रहे कि उस थिकनेस के हिसाब से आपकी जो शीट है वो अच्छे से मैट्रेस के नीचे जानी चाहिए। अगर आपके पास एक क्वीन साइज की मैट्रेस है लेकिन 8 इंच की है, मे बी उससे भी ज़्यादा ऊंची है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इतना लंबा टेप नहीं है तो एक बड़ा सा थ्रेड या ऊन ले ले और उससे नाप ले, और बाद में वो जो ऊन या थ्रेड है उसको आप नाप सकते हैं इंच टेप से एक अंदाज़ा लेने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वीन साइज की मैट्रेस पर आप किंग साइज की बेडशीट यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस एज वेल, और आपको अगर एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। यहाँ पर मेरे पास है ये सिंगल बेडशीट, इसके ऊपर भी डायमेंशन दिए गए हैं। ये ह्यूजलैंड ब्रांड से है, ये एक मॉडरेट ब्रांड मैं कहूँगी, बहुत मैंने तो सुनी हुई ये ज़्यादा ब्रांड है नहीं, बट मैंने इसकी पास्ट में बेडशीट यूज़ की है, अच्छी निकली है। मतलब मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा थ्रेड काउंट वाली नहीं है। थ्रेड काउंट के बारे में बात करते हैं, इसके डायमेंशंस यहाँ पर दिए गए हैं कि 58x88 इंचेस, सेंटीमीटर में भी दिए गए हैं 139x223 सेंटीमीटर। पिलो कवर के भी यहाँ पर डायमेंशंस दिए गए हैं 17x27 इंचेस, 43x68 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ऐसा कोई रेफरेंस मिल जाता है जहाँ पर आप एक्चुअल में चेक कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। इसका थ्रेड काउंट है 144। अब इसके ऊपर, इसके पैकेट पे इसका थ्रेड काउंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है अमेज़ॉन पर, उस पर इसका थ्रेड काउंट मेंशन किया गया है। थ्रेड काउंट का मतलब होता है पर स्क्वायर इंच कितने थ्रेड्स होते हैं एक कपड़े में। अभी थ्रेड काउंट जो टर्म है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बेडशीट्स के लिए यूज़ करें, इन जनरल कपड़े के लिए यूज़ किया जा सकता है। पर बेडशीट की अगर हम बात करें तो जो उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल धागे होते हैं जो आपस में बुन के कपड़ा बनता है, शीट बनती है, उसमें पर स्क्वायर इंच कितने धागे हैं वो उसका थ्रेड काउंट होता है। जितना कम है, मतलब जो कपड़ा है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ज़्यादा ऐसे लूज सा पड़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो बेडशीट्स में 144 जो थ्रेड काउंट है ये एवरेज है, इट्स नॉट गुड। पर ऐसा नहीं है कि ये बेडशीट्स नहीं चलेंगी, पर अगर आप इनको होल्ड करेंगे लाइट में कंपेयर टू जो ज़्यादा थ्रेड काउंट वाली बेडशीट है, तो ये आपको पतली लगेंगी। 180 से लेके 200-220 के अराउंड जो बेडशीट्स होती है, थ्रेड काउंट जिनका इतना होता है, वो आप कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की बेडशीट्स हैं, जो हमारे पॉकेट, हमारे लिए बजट के हिसाब से भी सही होंगी, क्योंकि 200 के ऊपर भी आती है बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी।
मेरे हिसाब से 200-220 तक वाली जो बेडशीट्स है वो भी अच्छी खासी प्राइस की आती है और वो काफ़ी चल जाती है। तो ये 144 TC की बेडशीट है, ये कॉटन की बेडशीट है, तो कॉटन है तो अच्छा ही है, बट ये जो है ये ज़रा पतली है, ट्रांसपेरेंसी है। सिंगल बेड की बेडशीट है, प्रिंट और कलर की बात करूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मुझे ज़्यादा वाइट और लाइट शेड की बेडशीट जो होती है वो पसंद आती है, तो इसके ऊपर ग्रे और येलो कलर के फ्लावर्स हैं, बाकी ये वाइट है। पर 144 होकर भी बहुत ज़्यादा पतली है ऐसा नहीं लग रहा है, बट डेफिनेटली 144 और 180 या 200 में तो डिफरेंस आएगा ही। तो इट्स अ ब्यूटिफुल बेडशीट, सिंगल बेडशीट है इसलिए इसके साथ है ये सिंगल वाला पिलो कवर, और इसका जो पिलो कवर है इसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, तो अगर आपका जो पिलो है वो एग्जैक्ट इस साइज़ का होगा तो वो थोड़ा सा बाहर आ सकता है, बट इसमें से अगर इससे थोड़ा सा छोटा है तो ये जो ओवरलैपिंग है यहाँ पर पिलो कवर की वो आपके लिए एकदम सही से काम करेगी। वरना कई बार आपने देखा होगा कि जो पिलोज़ होते हैं वो कवर में डालते डालते आखिरी में इसे थोड़े से गैप में से बाहर आने लगते हैं। तो एनीवे, तो ये एक अच्छी बेडशीट है, एनीवे ये एक एवरेज बेडशीट है, हम इसे ये नहीं कह सकते कि एकदम बेस्ट क्वालिटी की है, बट ये कॉटन है, बजट के हिसाब से अगर आपके लिए ये सूटेबल है तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये प्रिटी बेडशीट जो कि है अर्बन स्पेस ब्रांड से, इस पर लिखा हुआ है डबल बेड क्वीन बेड, तो दोनों चीज़ें इस पर मेंशन है, तो इसका जो डायमेंशन है वो भी दिया गया है जो कि है 88x100 इंचेस, तो ये काफ़ी अच्छी बड़ी है, बट डेफिनेटली ये किंग साइज़ पर छोटी पड़ सकती है, स्पेशली अगर किंग साइज़ मैट्रेस की थिकनेस भी उसमें ऐड हो जाए। और इसका जो थ्रेड काउंट है ये है 200, तो 200 थ्रेड काउंट काफ़ी अच्छा होता है, तो वी कैन से कि ये अच्छी क्वालिटी की बेडशीट है, एंड ये कॉटन की बनी हुई है तो कॉटन तो डेफिनेटली समर के हिसाब से अच्छा मटेरियल है। तो ये जो बेडशीट है इसका फैब्रिक अच्छा खासा मोटा है कंपेयर टू इसके पहले वाली जो कि 144 TC वाली है, ये है 200 TC की प्रिटी बेडशीट, अगेन इट हैज़ अ लॉट ऑफ वाइट कलर इन इट, मतलब वाइट के साथ इस पर ये प्रिंट दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, अब यहाँ पर आपको ठीक से दिखेगी नहीं। इसके साथ है दो पिलो कवर्स, दो ही है ना, यस दो होने भी चाहिए, ओके तो इसका पिलो कवर सिंगल बेडशीट वाले पिलो कवर से ज़्यादा बड़ा है, इसके भी डायमेंशंस इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे, एंड इसमें अच्छी खासी ओवरलैपिंग है। स्टोरी एट होम ब्रांड से है, इसमें जो बेडशीट के डायमेंशंस है वो 250x225 सेंटीमीटर है और पिलो कवर है 46x69। तो चलिए देखते हैं, ये कॉटन की बेडशीट है बाय द वे, 100% कॉटन बेडशीट। इसका थ्रेड काउंट है 144, तो 144 है यानी हम कह सकते हैं कि एवरेज थिकनेस वाली है, ये मोटी बेडशीट नहीं है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि 144 के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी बेडशीट है। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में है ये। सबसे पहले जो ह्यूजलिन वाली मैंने आपको दिखाई थी 144 TC ही थी, ये भी 144 है, बट समहाउ इस वाली की क्वालिटी ज़्यादा बेटर फील हो रही है, ये उससे थिक लग रही है, और इसके साथ दो पिलो कवर्स हैं और अच्छे खासे साइज़ के ये पिलो कवर्स हैं। पर आप इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप बेडशीट ले रहे हैं तो कॉटन देखें, थ्रेड काउंट देखें, साथ में आप बेडशीट का डायमेंशन और पिलो कवर का जो डायमेंशन होता है वो ज़रूर क्रॉस चेक करें, मैच करके देखें कि आपके घर में जो बेड है, जो मैट्रेस है, पिलो कवर पिलोज़ है, उनके साथ वो मैच हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट अगेन स्टोरी एट होम ब्रांड से है, बट ये 210 TC की बेडशीट है, तो काफ़ी अच्छा इसका थ्रेड काउंट है, एंड दिस इज़ किंग साइज। इसमें बेडशीट के डायमेंशंस है 270x270 सेंटीमीटर्स, और जो पिलो कवर्स हैं वो हैं 46x69। किंग साइज़ है तो इसमें फैब्रिक भी ज़्यादा है, तो उस वजह से भी इसमें एक वज़न मुझे पता चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा मोटा कपड़ा है इसका,
कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। समर के हिसाब से एक्चुअली जो डार्क बेडशीट्स होती हैं उसमें इतना फन नहीं है, उतना मज़ा नहीं है। लाइट शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे थ्रू आउट द ईयर लाइट शेड्स अच्छे लगते हैं, बट समर में ऐसे शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बेडशीट है, अगेन ये एक ब्रांडेड बेडशीट है, इनकी बेडशीट्स काफ़ी अच्छी होती है। एंड 210 TC एंड पिलो कवर्स भी काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं। पिलो कवर्स की ये है बैक साइड, सॉरी ओके, तो इसमें जो दो पिलो कवर्स हैं इनके दोनों के डिज़ाइंस अलग हैं। सो दिस इज वन जो प्लेन है एंड ये ऐसा है, तो इसमें दो अलग टाइप के पिलो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है ये ब्रांडेड बेडशीट जो कि है अमेजोन सोलिमो ब्रांड की, अमेजोन का खुद का ब्रांड है। ये भी कॉटन की है, 144 TC है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका। 144 होकर भी ये काफ़ी अच्छी लग रही है, ह्यूजलिन वाली इस एवरेज। ऐसा हो सकता है कि जो थ्रेड काउंट है ये उतना ही हो लेकिन थ्रेड मोटा पतला हो, तो दैट्स वाई ह्यूजलिन वाली में और इनमें 144 TC होने के बाद भी डिफरेंस है, तो ये काफ़ी अच्छी है। आई लाइक इट, कितना वाइब्रेंट और अच्छा कलर है, तो समर में तो बहुत ही बढ़िया लगेगा मेरे हिसाब से ये कलर। इट्स अ वेरी नाइस ब्राइट ब्यूटीफुल बेडशीट। नेक्स्ट ये बेडशीट है हाउस एंड किंडर ब्रांड से, ये है 100% कॉटन। इस ब्रांड की बेडशीट मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में दिखाई थी, वॉश करके दिखाई थी, और वो सच में बहुत अच्छी है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं एंड इट्स वेरी नाइस। 100% कॉटन है, इसका थ्रेड काउंट है 186 TC विच इज़ गुड, एंड किंग साइज बेडशीट है 274x274 cm एंड पिलो कवर्स हैं 46x69 cm के। इसमें मैंने काफ़ी न्यूट्रल सा ग्रे कलर चूज़ किया है, ग्रे कलर की बेडशीट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। ग्रे कलर की पूरी बेडशीट और पिलो कवर्स हैं विद प्रिंट ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स प्रिंटेड है इसके ऊपर ऑल ओवर, बाकी सिंपल है, रिपीट इस पर यही पैटर्न है। अगर आपको इस तरह के सटल कलर्स पसंद है, ग्रे एक्चुअली ऐसा है किसी भी टाइप के इंटीरियर में किसी के साथ भी काफ़ी अच्छा ढल जाता है, स्पेशली अगर आपका जो रूम है ऑलरेडी बहुत कलरफुल है, बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। थ्रेड काउंट भी इसका अच्छा है, 186 डेफिनेटली 210 या 200 से कम है, बट 186 भी अच्छा एक थ्रेड काउंट है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन ये भी पूरी मतलब 100% कॉटन की बेडशीट है। आई होप अब थ्रेड काउंट क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा और आप भी थ्रेड काउंट देखकर बेडशीट्स लेंगे। और कॉटन की बेडशीट्स जो समर के हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है, इनके मैंने आपको जो ऑप्शंस दिए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। सबसे अच्छी बेडशीट आज के इस वीडियो की आपको कौन सी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और अगर आप इस तरह के कुछ और टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो अपने सजेशंस प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और होम एंड मजमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।